लो भैया वोटिंग लाइंस हो चुकी है क्लोज। किसको सबसे ज्यादा वोट मिले यानी कि किसको ये हाथ ट्रॉफी जाने वाली है, नाम है वो निकल के सामने आ चुका है। जनता ने अपना विनर है वो चूज कर लिया है कि भैया वो किसको विनर बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, यहां पर हमारे पास पूरी लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है कि भैया किसको कितने वोट मिले हैं और कौन कितने नंबर पर रहा है। तो यहां पर गाइस मैं आपको बताऊं तो आज 12 बजे तक वोटिंग लाइन दोपहर 12 बजे तक ओपन थी और कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी लग रही थी कि यार 12 बजे तक क्यों ओपन की गई, चाहते तो कल शाम 6 बजे तक कर सकते थे, लेकिन क्या ये अंदर ही कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। लेकिन चलो वो चीजें तो बाद की बातें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जो वोटिंग ट्रेंड निकल के सामने आया है वो अपने आप में बड़ा ही खास है। जी हाँ, नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे रणवीर शोरे, जी हाँ, जिसके चांसेस लग रहे थे कि विनर उसको बना सकते हैं, लेकिन उसको वोट सबसे कम मिले हैं भैया, सबसे कम वोट मिले हैं, क्योंकि ना ही उसकी कोई सोशल मीडिया पर उसका कुछ वो है, ना ही उसकी कोई पीआर टीम काम करती है और ना ही उसके लिए कोई बाहर वोट मांगता हो नजर आ रहा है, तो जिसके चलते वो सबसे नीचे है यानी कि नंबर 5 पे चल रहे हैं। हो गई है वोटिंग, सबसे नीचे जो रहे हैं वो रणवीर शोरे रहे हैं। नंबर 4 की बात करें तो साई केतन राव जी, उनकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है वो बाहर प्रयास कर रही है वोटिंग के लिए, उनकी टीम है वो काम कर रही है वोटिंग के लिए, कुछ लोगों से वोट करवा रही है, तो जिसके चलते साई केतन को रणवीर से अच्छे वोट मिले हैं। नंबर 4 पे वो थे जिसे उसे रणवीर से अच्छे वोट मिले थे। नंबर 3 की बात करें, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बताऊं किसी भी वक्त विनर बन सकता है क्योंकि आज शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है, शायद आज ट्रॉफी हाथ में दे दे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको नाम इंस्टाग्राम पे बताऊंगा, ये रहा हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, अभी गाइस फॉलो कर लेना है क्योंकि हम लाइव आकर सबसे पहले आपको विनर बता देंगे कि भैया किसको ट्रॉफी दी गई है। तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर मान लो आज शूटिंग होती है तो आज ही ट्रॉफी दे दी जाएगी, कल टेलीकास्ट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस तरह से इन्होंने वोटिंग लाइन 12 बजे बंद की है तो शायद आज ट्रॉफी दे दी जाए, आज शूटिंग कंप्लीट कर ले और कल दिखा दे, क्योंकि इस बार कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है इसलिए मेकर्स जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3 की बात करें तो यहां पर नंबर 3 पे कृतिका मलिक, अरमान मलिक, पायल मलिक, ये सभी इसको वोट करवा रहे हैं, जिसके चलते कृतिका मलिक नंबर 3 पे है। उनकी पीआर टीम काम कर रही है, 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हो चुके हैं कृतिका के, तो वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहां पर 3 नंबर पे कृतिका मलिक है। नंबर 2 पे बड़ी ही शॉकिंग चीज चल रही है जी, नंबर 1 और 2 पे बड़ा ही शॉकिंग रहा है। नंबर 2 की बात करें तो नेजी दबा, जी हाँ, नेजी क्रॉस नहीं कर पाए सना मकबूल को और जैसे ही वोटिंग लाइन बंद होती है नेजी को उतने वोट नहीं मिल पाए, यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट मिलते हैं वो सना मकबूल को मिलते हैं, यानी मुनव्वर का फायदा हुआ है, बाकी लोगों का फायदा हुआ है, कटारिया के फैंस, एलविश के फैंस सब ने सना को बचाया है। सना कटारिया के लिए रो रही थी, विशाल के लिए रो रही थी, तो भैया उनके फैंस ने उसको वोट किए हैं और सभी चाहते हैं सना मकबूल विनर बने, तो वोटिंग के हिसाब से सना मकबूल विनर है। जी हाँ, घोषणा हो चुकी है, सना मकबूल है, वो क्लियरली विनर है वोटिंग के हिसाब से। अब वोटिंग के हिसाब से नहीं बनाते तो फिर ये रणवीर शोरे को बना सकते हैं, अगर वोटिंग के हिसाब से बनाएंगे तो पक्का पक्का ट्रॉफी यहां पर सना मकबूल के पास गई है। आप क्या बोलेंगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, लगातार हम आपको विनर की सबसे पहले अपडेट बता रहे हैं और फिनाले से जो भी अपडेट आ रही है मैं लगातार बता रहा हूं। मिलते हैं कुछ देर में।